हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कलाशाला। आई एम आरती कोहली। टुडे आई एम गोइंग टू शो यू हाउ वी कैन मेक अ ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजर विद द सिंपल एंड वेस्ट मटेरियल टाइप ऑफ थिंग्स। इसको बनाने के लिए हमें जो सामान चाहिए है वो ये देखो मैंने क्या क्या यूज किया है। ये एक वेस्ट, हम लोग घर में सर्फ यूज करते हैं तो ये उसका डिब्बा है। ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसका ये जो है कार्डबोर्ड थोड़ा थिक होता है। आप कोई भी ले सकते हो, जो भी आपके पास है, ये जरूरी नहीं है ऐसा ही लेना, कोई भी ले सकते हो। और मेरे पास ये इस कपड़े की जगह ये मैरून है और ये इसमें मैं ब्लैक बनाऊंगी। ये मैंने ये टी शर्ट है ये फट गई है तो मैं इसकी जगह ये यूज करूंगी, इस कपड़े की जगह, ठीक है। और अभी हमने ये बनाना है इसका बेस, तो बेस के लिए हमने ये जूट के पीसेस दिए हैं, ये देखो ये। और बेस का कार्डबोर्ड बनाने के लिए हमें ये देखो ये वाला कार्डबोर्ड लिया है, ये कार्डबोर्ड है। अब मैं इसको कट करूंगी। ये मुझे सर्कल में चाहिए, इसके लिए मुझे इसको सर्कल करना है। मैं ऐसे इसको करूंगी और इसको कट कर लूंगी। ये देखो इसके बेस के लिए ये दो कार्डबोर्ड हमने कट कर लिए हैं। अब हमने इसको जूट के साथ कवर करना है। ये देखो कैसे करेंगे, इसके ऊपर हमने फेविकोल लगाना है और इसको ऐसे करके जोड़ना है। आप चाहो तो इसके अंदर एक पीस किसी भी कपड़े का रख सकते हो ताकि वो थोड़ा सा उभरा हुआ दिखेगा, वो ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है। अब ये देखो मैं इसको अब इसके हमने चारों तरफ से इस तरह से कटिंग कर लेनी है। वो सूखने में टाइम लगेगा इसलिए मैंने पहले से ही दो पीस ऐसे तैयार करके रखे हैं, ठीक है। अब ये देखो इसको हमने जोड़ना इस तरह से, ऐसे जोड़ना। इसको आप बीच में फेविकोल लगा करके इसको अच्छे से जोड़ना है हमने ऐसे करके, या फिर हम इसको ग्लू गन से जोड़ेंगे। थोड़ी देर के लिए इसके ऊपर चाहे कोई वेट रख दो ताकि ये अच्छे से, ये हमारा तैयार हो गया। अभी हमने इसके ये देखो मेरे पास ये लेस है, मैं ये लेस लगा रही हूँ। आप लोग इसके से में से जो थ्रेड निकलते हैं उन्हीं की इस तरह से लेस बना करके लगा सकते हो। इसकी जगह आप रिबन भी लगा सकते हो। ये देखो ये तैयार है हमारा, ये दोनों तरफ से एक जैसा, ठीक है। हमने इसकी नीटनेस का ध्यान रखना है कि कुछ गंदा ना नहीं लगना चाहिए। अब हम इसको तैयार करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसकी कटिंग करूंगी मैं, इसके एजेस कट करेंगे। अभी इसका मैंने मेजरमेंट लिया है, ये है
12 सेंटीमीटर यहाँ तक, ये भी, ये प्रपोर्शन अपने हिसाब से, आपके पास जैसा बॉक्स होगा आप उसी के अकॉर्डिंग करोगे। ये जो दोनों साइड से मैंने ये 12 सेंटीमीटर पे निशान लगाया है इसलिए ताकि ये हम यहां से यहां तक तो ये इधर से भी 12 सेंटीमीटर का। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो ये ऐसे कट गया, देखो इस शेप में मैंने काट दिया इसको। अब हम इसको ये ब्लैक टी शर्ट के साथ हम इसको कवर करेंगे। ये मैंने उसमें से कपड़े को कट किया, इतना पीस ले लिया। अब हमने ध्यान इस बात का रखना है कि इसको हमने ऐसे उल्टा रखना है क्योंकि ये हमारी फ्रंट साइड है और हम इसको जब जोड़ेंगे तो ये सामने नहीं आना चाहिए, ये बैक साइड में आना चाहिए इस तरह से। ये टी शर्ट का कपड़ा थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है इसलिए मैंने ये टी शर्ट वाला कपड़ा लिया, थोड़ा जल्दी हो जाता है, अच्छे से हो जाता है। ये देखो ये हमने इसको डिब्बे को कवर कर लिया है। अब ये यहाँ तक आ रहा है, अब हम इसको क्लोथ को यहाँ तक कट करेंगे, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे कट करेंगे। ये देखो ये तैयार है, अब हमने इसमें ये इसको कवर कर दिया। एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि इसके एजेस जो है ये सारे कवर होने चाहिए, बिल्कुल ऐसे दिखना नहीं चाहिए नीचे से वो आ रही है। ठीक है, अब हम इसको जोड़ेंगे। पहले मैं थोड़ा सा इसका निशान लगा दूंगी कि हमने इसको कहाँ पर लगाना है, फिर मैं इसको फेविकोल लगाऊंगी, ग्लू गन लगा सकते हैं, कोई भी चीज लगा सकते हैं। फ्लावर्स मैंने बनाए हैं, ये भी जूट से ही बनाए हैं और इसकी भी मैंने वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप वहां से ये फ्लावर बनाना भी देख सकते हो कैसे बनाने हैं। आप चाहो तो कोई और फ्लावर्स भी लगा सकते हो और इस क्लोथ की जगह, जूट की जगह आप कोई और कपड़ा भी यूज कर सकते हो। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने यही लगाना है, आपके अपने हिसाब से आप लगा सकते हो। अब ये देखो मैं यहाँ पे ये वाला फ्लावर लगाऊंगी। ये देखो ये हमने यहाँ इतना हमने बना लिया है। ये मैंने ये वाले फ्लावर जूट वाले ही लगाए हैं तो ये थोड़ा सा डल लग रहा था, इसको हाइलाइट करने के लिए मैंने ये वाले फ्लावर लगा दिए, ये मेरे पास थे तो मैंने लगा दिए। आप भी इसकी जगह कोई और फ्लावर चाहो तो लगा सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है, नहीं भी लगाना चाहो तो कोई बात नहीं। अब ये देखो पीछे से मैंने ये भी एक ऐसे कार्डबोर्ड के ऊपर ही ये लगा करके लगा दिया है, इसके अंदर आप कुछ चाहो तो डाल सकते हो। ठीक है, ये देखो एक एक इसका बॉक्स और तैयार हो गया। अब ये देखो ये यहाँ पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा अनटाइडी लग रहा है क्योंकि इसको हमने यहाँ पे जोड़ा है। अब इसको छुपाने के लिए भी हम एक इधर बो बना करके लगा देंगे इसकी। ये देखो ये इसको मैं ऐसे जोड़ूंगी और ये ऐसे करके इसका इधर बो लगा दूंगी। ठीक है, अब ये हमारा ऑर्गेनाइजर बिल्कुल रेडी है। अब आपको मेरी ये वीडियो अगर पसंद आई है, हमारी ये एक्टिविटी, तो प्लीज इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।